वही जनपद उत्तरकाशी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार गंगोत्री धाम पहुंच रही है, जिसे देखते हुए कुछ कांवड़ यात्री जल लेने गौमुख भी पहुंच गए। उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश ने 40 कांवड़ यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी। बता दें, भारी बारिश के कारण पुल टूटने से गौमुख पैदल मार्ग पर चीड़वासा गए यात्री चीड़वासा में फंस गए, परंतु जिला प्रशासन और SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 16 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया है। बाकियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वही जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिश्ट ने बताया कि उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सभी जगहों पर सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई है, साथ ही साथ तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए लगातार बचाव कार्य जारी है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। क्या है, अचानक जो हमारे पास अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें ये था कि ऊपर से थोड़ा ग्लेशियर जैसे बारिश हुई थी तो पिघलने से वो जो हमारी जो टेम्पोररी पुलियाई होती है वो हमेशा वैसे ही बनती है, वो बह गई थी। अब उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कांवड़ियों को थोड़ा देर, लेकिन उन लोगों को शायद उनको लगा होगा कम पानी है, तो ये सुनने में आया कि वो उसको क्रॉस कर रहे थे तो दो लोग उसमें बह गए और तीसरा बंदा जो उनके साथ का था वो आया सुरक्षित, थी उसने पूरी सूचना दी। तो उसके तुरंत बाद फिर हम लोगों ने जो फॉरेस्ट की टीम को भेजा और SDRF को इन्फॉर्म किया, क्योंकि तो शाम तक रात हो गई थी, आज सुबह से ऑपरेशन चल रहा है उनको उनको देखने का, सर्च करने का कहाँ है क्या है, तो लगातार लगी फॉरेस्ट की टीम तो सुबह 5 बजे से काम में लगी थी। वही अगली खबर हल्द्वानी से है, जहाँ सांसद अजय भट्ट ने तिकोनिया के पास धंसी सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं अजय भट्ट ने कहा कि अब तक तिकोनियों को पाइप पर डालकर सड़क की मरम्मत की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने शहर में कई जगहों पर नदी नालों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप में बहुत ही रहस्य की बात है कि तिकोनिया जैसी जगह में पूरी नहर धस गई, जबकि नहर बंद है तब भी उसमें पूरी तरह से पानी इस समय बह रहा है। नहर बंद होने पर भी ये जमरानी बांध का सारा पानी जो पहले से हमारी नहरें बनाई थी, बाद में कहीं कहीं पर उनका उपयोग हुआ, वो सारा ले जाती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी नहर है जो यहाँ से लालकुआं तक जाती है, इसके धंसने से पूरा हमारी सड़क ही एक किस्म से बाधित हो गई है। सारे अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग हैं, मेरी जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है, सब लोगों से, और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी टीम है। अभी जल्दी से जल्दी ह्यूम पाइप इसमें लगाया जाएगा, वो मंगाया गया है, 3 से 4 दिन उसके आने में लग रहे हैं कम से कम, और पूरा फिटिंग करने पर 10 दिन का समय अधिकारी कहते हैं, 1 हफ्ते से 10 दिन तक हम ठीक कर देंगे। हमने कहा आप 15 दिन ले लीजिए, लेकिन एकदम ठीक करिएगा और उससे आगे नहीं जाना चाहिए फिर। और उसके बाद फिर जब ये ह्यूम पाइप लग जाएगा, सिंचाई विभाग का काम पूरा हो जाएगा, तो PWD का काम प्रारंभ होता है। सड़क जैसी थी वैसी ही बनाया जाएगा और इसका सर्वे भी किया जा रहा है आगे के लिए, कहीं और आगे ऐसी स्थिति ना आए। तो इसलिए जैसे ही बरसात ख़त्म होगी तो आगे तक भी इसको देखा जाएगा, अगर नई सड़क भी नई नहर बनानी हो, उसकी मरम्मत करनी हो, नए ह्यूम पाइप डाल के उसे आगे बढ़ाना हो और फिर नए तरीके से डामरीकरण करना हो तो किया जाएगा।